नमस्ते दोस्तों, मैं नुपुर अटिकरिया, मैं एक योग शिक्षिका हूँ और आज मैं अपने वीडियो पे बताने जा रही हूँ कि शंखनाद किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार के शंख का आपको चयन करना चाहिए, यह हमारे आध्यात्मिक मार्ग में किस प्रकार से सहायक है और इसे हमें क्यों करना चाहिए। चलिए तो आज मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रही हूँ दो प्रकार के शंख। शंख के भी प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ दो शंख हैं, एक सिंपल शंख जिसमें कोई भी डिजाइन नहीं बने हैं और एक ये जो काफी आपको थोड़ा सा ये खूब मतलब काफी सुंदर सा ये शंख दिख रहा है आपको। लेकिन जब आप जब भी मार्केट में या कहीं भी शंख का चयन करने जाएंगे या खरीदने जाएंगे तो एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, शंख थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। जैसे कि ये शंख करीबन ये 500 ग्राम्स के होंगे ही और ये शंख मुश्किल से 200 से 250 ग्राम होंगे, काफी हल्का है। इसके कंपैरिजन अगर रखूं मैं तो ये काफी हल्का है। और ध्यान रखेंगे शंख में कहीं पर छेद ना हो, जैसे कि ये मुख है, यहाँ के अलावा अगर बीच में कहीं छेद है तो क्या हवा पास होती जिसके कारण ध्वनि जो है मधुर नहीं आ पाती। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, हाँ पहले ये बता देती हूँ दोनों शंख में उत्तम कौन सा है। ये शंख सबसे उत्तम है, इससे ध्वनि भी काफी मधुर आती है, इससे आप लंबे समय तक शंखनाद कर सकते हैं। इसकी जो मुख है वो भी छोटे हैं, आप जब भी देख खरीदने जाएंगे एक चीज का ध्यान रखेंगे मुख छोटा हो, आपका जो शंख है थोड़ा वजनदार हो, बीच में कहीं भी छेद ना हो, आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके काफी फायदे हैं, इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरीके से हमें इसमें फायदे मिलते हैं। दोस्तों अच्छी बात है कि हम मॉडर्न कल्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, समय के साथ बदलाव भी जरूरी है, लेकिन समय के साथ अगर आप अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को भी साथ लेके चलेंगे तो आपके जो अस्तित्व की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। शंख एक ऐसा चीज है जिससे हम रोज अगर इसको इसका जब हम इसको बजाते हैं तो इससे शारीरिक तरीके से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। जब हम बजाते तो हमारे पूरे थ्रोट रीजन यूज होते हैं, इससे आपको थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो इसमें आपको काफी फायदे मिलेंगे, इससे आपको कभी गले से रिलेटेड कोई भी बीमारियां नहीं होगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो आगे चल के भी आप स्वस्थ ही रहेंगे, आपको गर्दन से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि जब हम शंखनाद करते हैं तो इससे हमारी जो आवाज है काफी खुल जाती है, इससे काफी हमारी जो आवाज है मधुर हो जाती है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैं जब कॉलेज टाइम में थी मेरी आवाज काफी गंदी थी, एक मतलब थोड़ा सा मर्दाना जैसा आवाज आता था मेरे गले से। मेरे दोस्त अब जब मेरा आवाज सुनते हैं तो सबको लगता है कि मेरे आवाज में चेंजेस आया या फिर मैं किसी दूसरे के आवाज में डबिंग कर रही हूँ, ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा है। मैं अपने अंदर तो ये अनुभव देखा है मैंने, तो जो संगीत के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं इसका जरूर प्रयोग करें, रोज शंखनाद करें। जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिनको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो उसके साथ ही साथ यह हमारे श्वसन की शक्तियां बढ़ाती है, हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाती है। अभी देख रहे हैं कोरोना के चलते बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आफ्टर कोरोना ठीक होने के बाद लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद भी उनको थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। आप ज़रूर इसका प्रयोग करिए, क्योंकि जब हम शंखनाद करते हैं इससे हम काफ़ी डीप एक्सहेल करते हैं जिसके कारण हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम खुल जाते हैं। अब यह हमें मानसिक रूप से किस प्रकार से फायदे करता है, यह हमारे मन को शांत करता है, शिथिल करता है,
चित्त की चंचलता को कम करता है, हमारे इंद्रियों में संयम लाता है, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है काफी तेजी से होती है। क्योंकि जब तक आपके चित्त शांत नहीं रहेंगे, आपके मन में उथल पुथल होते रहेंगे, आपका मन विचलित होते रहेगा, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग में कहीं ना कहीं समस्याएं आते जाएगी। तो जब आप ध्यान करने जाएंगे तो आपके अंदर एक कंसंट्रेशन पावर गेन होगा। तो संख नाद हमें काफी तरीकों से फायदे देता है। इसलिए दोस्तों आप जरूर इसका प्रयोग करें अपने रोज के दिनचर्या में। अगर आप पूजा नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे बैठकर कभी भी बजा सकते हैं। कभी नहीं, रात में नहीं बजाइएगा, दिन में जब भी आपको समय मिलता है तो स्नान के बाद जरूर आप शंखनाद करिए। इसे कम 3 से 5 बार शंखनाद का प्रयोग करिए। अब चलिए देखते हैं शंखनाद आपको किस प्रकार से करना चाहिए। जब भी आप शंखनाद करेंगे, ध्यान रखेंगे आप मुंह को बलून जैसे नहीं फुलाएंगे, इससे आप कम समय तक ही शंखनाद कर पाएंगे। इसलिए आपको मुंह को थोड़े से चोंच की भांति सामने की तरफ रखना है, गाल को फुलाना नहीं, गाल को चिपटा ही रखना है, और धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आपको शंख के मुख पर वायु को फेंकते जाना है। देखेंगे किस प्रकार से बजाना है। पहले लंबी गहरी श्वास भरेंगे, सेशन में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप ही क्यों के लिए इसके फायदे लेंगे, आगे इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिएगा।